यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे संवाददाता कर्णवीर कश्यप ने, क्या कुछ कहा आप वो सुनिए। यूनियन के किसानों को यूपी गेट पर डटे हुए हो गए हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आज फिर दिन भर क्या प्रोग्राम रहने वाला है, सरकार से क्या बातचीत हुई है, इस पर बात करने के लिए राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। राकेश टिकैत जी बात करेंगे, तो सब क्या अब सरकार की तरफ से किस तरह का हुआ है? वो तो सरकार की तरफ से तो कोई बुलावा तो आया नहीं बातचीत का। वो तो ये कह रहे कि सारे किसान पहले दिल्ली के बॉर्डर छोड़कर बुराड़ी में आ जाओ, जो अस्थाई अघोषित जेल है उसमें, तो उसमें तो नहीं किसान जाएगा। लगता है कि सरकार वहाँ धोखा कर देगी आपको? हाँ, धोखा तो करेगी, सरकार का काम धोखा करने का, तो धोखा तो करेगी। आप क्या चाहते हैं, कहाँ बातचीत होनी चाहिए? बातचीत तो कहीं कर लो, हम क्या मैंने कर रहे, बातचीत तो प्रतिनिधिमंडल से होगी, इतनी भीड़ से थोड़ा बातचीत होती है। बातचीत तो 5 लोगों से होगी, 10 सौ होगी, 50 सौ होगी, 100 सौ होगी, तो कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। सरकार ने 3 तारीख का टाइम दिया, उसके लिए क्या? हाँ, तो 3 तारीख को बात कर लेंगे। अब कब तक डटेंगे और किस तरह की भूमिका आए? देखो, हम तो यहीं हैं अभी, अभी तो सरकार की तरफ से पहल होगी तो किसान बातचीत करेगा। दिन भर आज क्या कार्यक्रम करने वाले? यहीं रहेंगे दिन भर, लंगर भंडारा चलेगा, खाना खाओगे, यहाँ रखेंगे, लोग से बात करेंगे, कौन कहाँ कहाँ से आए, उसको क्या क्या दिक्कत है खेती में, उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा और सख्त कर दी? हाँ, ठीक कर दी, सुरक्षा बढ़िया कर दी, सुरक्षा करनी भी चाहिए ना। पुलिस कह रही है कि इतना आदेश नहीं आएगा, हम अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं, हमारा पुलिस से थोड़ा कोई टकराव है, पुलिस के जवान तो हमारे लिए खाना लेकर आते हैं यहाँ पे रात के अंधेरे में, जब परिवार वाले यहाँ पे अपने घर से 10-10 रोटी बनवा कर यहाँ पे दे के जा। सरकार नहीं सुन रही, क्या क्या वजह, क्यों लगता, क्यों? वो तो सरकार ही बताओगी भाई, नहीं सुन रही, अब हम क्या करें, हम तो बैठे अपनी बात कह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, सुन लेगी सरकार। तो किसानों को ये उम्मीद है कि जल्दी सरकार भी सुनेगी और तमाम तरह से जो सरकार के नुमाइंदे हैं या प्रतिनिधि हैं जो बातचीत करना चाहते हैं वो किसानों के हिसाब से बात करें, किसान अपने हिसाब से बात करें। दूसरी तरफ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं, जो एक देहात और किसानी के बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो स्वरूप होता है रागनी, उस रागनी का कार्यक्रम यहाँ हो गया है। किसानों ने यहाँ मंच सजा दिया है और इसी तरह से दिन भर रागनी रहेगी, अलग अलग कलाकार यहाँ आकर के रागनी करेंगे और इसी तरह ये आंदोलन सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।